नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं आज के कर्क राशि फल के बारे में कि आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, जिससे आप तक समय समय पर महत्वपूर्ण राशि फल पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों का आज का दिन। दोस्तों, आज व्यवसायिक क्षेत्र में अच्छे परिणाम हासिल होंगे, प्रभावशाली लोगों से संपर्क रहेंगे, व्यवसायियों को साझेदारी या एसोसिएशन के माध्यम से अच्छा लाभ मिल सकता है। धैर्य और संयम रखना जरूरी है, इससे आप अपने कामों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। काम को जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से काम निपटाने का प्रयास करें, सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिससे नई योजनाएं बनेंगी जो आपके लिए बेहद ही लाभदायी रहेंगी। आपका रहन सहन और बोलचाल का तरीका दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। खास तौर पर आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों भरा रहेगा, परिवार तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बना रहेगा। बीती हुई नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दें तथा वर्तमान में ही रहें। अपनी क्षमता से अधिक तनाव अपने ऊपर ना लें, आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। उचित योजना बनाकर ही अपने काम को अंजाम दें। जी दोस्तों, यदि निर्णय लेने में दिक्कत आए तो अनुभवी लोगों की सलाह लेना उचित रहेगा। कार्य क्षेत्र पर कर्मचारियों तथा स्टाफ का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा तथा कार्य में भी प्रगति होगी। निवेश संबंधी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने में पूरा समय लगाएं तथा सोच समझकर नए काम पर पैसा लगाएं, लाभदायक रहेगा। और व्यवसाय में व्यस्तता बनी रहेगी, प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस में बड़ी डील हो सकती है। काम से संबंधित मार्गदर्शन मिलने से रुकावट को दूर कर पाना आपके लिए संभव होगा। आज वैवाहिक संबंधों के लिए भी समय निकालना बेहद जरूरी है, इससे दाम्पत्य जीवन प्रेमपूर्ण बना रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते समय पार्टनर से विवाद ना करें। जी हां दोस्तों, बुजुर्गों की सेहत पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी, परिवारजनों के साथ हास परिहास और मनोरंजन में भी सुखद समय व्यतीत होगा और लव पार्टनर से मुलाकात का भी आपको समय मिलेगा। हेल्थ संबंधी समस्याएं जैसे बीपी, शुगर, इन चीजों को आप नजरअंदाज ना करें, इन पर नजर बनाए रखें। अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान दें, ज्यादा तला भुना भोजन गैस पेट दर्द अपच जैसी समस्याओं को पैदा कर सकता है। अपनी आदतों में सुधार लाएं और अधिक स्वस्थ रहने के लिए आप नियमित योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और अधिक स्वस्थ रहें।